हरिपुर नामक शहर में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, और रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया सर। तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया, और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है, तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया, सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है, तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू जल्दी से खाना लेकर आओ, ये कैसा खाना है, इतना तीखा। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू जल्दी से खाना लाओ भाई, वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई, अभी तो थी। वो डर जाता है, वो रामू का आवाज लगाता है। रामू रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। ये सारा करा धरा भूतिया भिखारी का था।
वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है, तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है, और वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है, और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत, भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था, फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज़ सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो हमारे गल्ले में भूत है, यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे गायब है। ये सुन सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी, वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उधर उसके पैसे रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने नींद में कोई सपना देख लिया है, आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको मनवाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी रामू मालिक के पास आता है। मालिक मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवाया था, वही उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। रामू मुझे भी यही लग रहा है, तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा, उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा, ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है, वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया, तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली, उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा, हमें माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाता है। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से गंगा जल छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं।